بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم respectable parents and dear students Assalamu alaikum. Class 2, your subject is General Science. Today, we are going to learn about Part 3, Materials and Matter. Unit number 8, measuring instruments. So students, open your science book, page number 35. Page number 35. Now we will start work for day 1. और पहले दिन के काम में हमने reading page number 35 and 36 complete करनी है. Students, in previous lecture we have learned about materials and matter. Materials mean maadi ashya. Matter means maada. Now we will start unit number 8, measuring. M E A S U R measure, I N G ing measuring, I N S T R U instru, M E N T S Ments, instruments, instruments, measuring, instruments, pemaish ke alat. Measuring means pemaish karna. Pemaish kya hota hai? Yani size karna. A measuring instrument is a device for measuring a physical quantity. यानी किसी भी चीज़ का size जानने के लिए मुख्तलिफ पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं और उन पैमानों को measuring instruments कहते हैं. For example, जब आप sorry, जब आप अपनी मामा को देखते हैं खाना बनाते हुए, आप अपनी मामा के साथ किचन में ज़रूर जाते होंगे और देखते होंगे कि वो खाना कैसे बनाती हैं. तो खाना बनाने के दौरान वो स्पाइसेस का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि वो सॉल्ट या किसी और मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा कर दें. अगर सॉल्ट ज़्यादा होगा खाने में तो वो भी आप नहीं खा सकेंगे. तो इसी तरह किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उनमें इस्तेमाल होने वाले इंग्रेडिएंट्स को हम एक ख़ास क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं
और उस क्वांटिटी को इस्तेमाल करने के लिए पहले हम उसको मेजर करते हैं। जैसे केक बनाना हो तो केक बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाले एग्स, ऑयल, बटर और मिल्क और फ्लोर, इन सब चीज़ों को एक ख़ास मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। पहले उनको किसी ख़ास पैमाने में, चाहे कप हो या बीकर हो, उसमें मेजर किया जाता है, नापा जाता है और उसके बाद उसे इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सही क्वांटिटी का इस्तेमाल करने के लिए उसकी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। नाउ लेट स्टार्ट आवर रीडिंग पेज नंबर 35। पुट योर फिंगर ऑन पार्ट नंबर 3। पार्ट 3 मटेरियल्स एंड मैटर। यूनिट नंबर 8 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, पैमाइश के आलात। हाउ हाई इज इट, हाउ बिग, हाउ हैवी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग। वी आस्क क्वेश्चंस लाइक दीज ऑल द टाइम। हम हर वक्त इस तरह के सवालात पूछते हैं या हमारे जहन में ये बात आती है कि बुलंदी कितनी है, कोई चीज़ कितनी बड़ी है, उसका वज़न कितना है, या फासला कितना है, या उसकी किसी चीज़ की, किसी शय की लंबाई कितनी है। इन सब को जानने के लिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। मेजर टू मेक लेमनेड। अब यहाँ आपको बताया गया है कि लेमनेड बनाने के लिए आपको कौन सी चीज़ें और कितनी क्वांटिटी में चाहिए होंगी। लेमनेड कहते हैं स्कंज बीन को, जिसमें लेमन का इस्तेमाल किया जाता है। 1/2 cup शुगर, जूस ऑफ 3 lemons, 1 liter वाटर। अब अगर आप देखें तो ये मशरूब बनाने के लिए एक ख़ास क्वांटिटी बताई गई है और उसको पहले मेजर किया गया है। यानी अगर शुगर है, चीनी है, तो वो 1/2 cup है, लेमन्स हैं तो वो 3 हैं, 3 लेमन्स का जूस है, उनका रस है, और पानी की मिकदार कितनी है, 1 liter। अब ऐसा नहीं है कि आप 2 liter पानी का इस्तेमाल करें और उसमें 1 spoon शुगर और 1 lemon, तो वो उसका जायका नहीं होगा और इसमें क्वांटिटी का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसकी अशिया की मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। साइंटिस्ट्स आर ऑलवेज मेजरिंग थिंग्स, वेट्स, साइजेस एंड अमाउंट्स ऑफ वेरी इम्पॉर्टेंट इन साइंस। साइंस में वज़न, जिसामत और मिकदार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। यानी साइंटिस्ट यानी साइंसदान जब कोई चीज़ बनाते हैं या तो उसमें
इस्तेमाल होने वाली अशिया को मेजर ज़रूर करते हैं, उसको नापते ज़रूर हैं, पैमाइश ज़रूर करते हैं ताकि वो चीज़ सही बने। When new things are made, the materials that are used have to be measured. The machines that are used to measure things are called measuring instruments. जब कोई नई अशिया बनाई जाती हैं तो उनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल को, मादी अशिया को भी मेजर किया जाता है, नापा जाता है, उनकी पैमाइश की जाती है। अब ऐसी अशिया की पैमाइश करने के लिए जो पैमाने हम इस्तेमाल करते हैं, जो डिवाइसेस हम इस्तेमाल करते हैं, जो आलात हम इस्तेमाल करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरिंग लेंथ। मेजरिंग लेंथ, मेजरिंग लेंथ मीन्स लंबाई की पैमाइश। लंबाई की पैमाइश बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लंबी होती हैं, लंबाई में होती हैं, तो उनकी पैमाइश कैसे की जाती है? जैसे एक दरख्त है, अगर हमने उसकी हाइट देखनी है, उसको मेजर करना है, तो उसके लिए भी हम कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, चाहे वो रूलर हो, मीटर रोड हो या मेजरिंग टेप हो। अगर कोई रूम है, कमरा है और उस कमरे की लंबाई देखनी है, तो उसके लिए भी हम मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे और हम देखेंगे कि कमरे की लंबाई कितनी है। जी, तो सबसे पहले है मेजरिंग लेंथ, लंबाई की पैमाइश। लेंथ लंबाई, वी मेजर लेंथ्स एंड डिस्टेंसेस विद अ रूलर, अ मीटर रॉड और मेजरिंग टेप। जी, मेजरिंग लेंथ के लिए द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ बेस्ड ऑन द मेट्रिक सिस्टम इज अ मीटर। यानी लंबाई को हम मीटर के से भी कर सकते हैं, उसको नाप सकते हैं, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। छोटी चीज़ होगी तो मिली मीटर से भी होगी, सेंटीमीटर भी इस्तेमाल हो सकता है। और अगर फासला है, जैसे आप घर से स्कूल आते हैं, तो घर से स्कूल आने का आने के दरमियान का रास्ता वो आपका फासला कहलाएगा, डिस्टेंस कहलाएगा। अब वो डिस्टेंस कितना है, कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा होगा तो किलोमीटर्स में भी हो सकता है। और आपको स्टूडेंट्स पता है कि 1000 मीटर्स हों तो वो 1 किलोमीटर के बराबर होते हैं। आपने आपके पास रूलर होता है, आप रूलर का इस्तेमाल करते हैं लाइंस ड्रॉ करने के लिए, तो आपने देखा होगा कि आपके रूलर पर, पैमाने पर इंचेस या सेंटीमीटर लिखा होता है, सीएम लिखा होता है छोटा सा, या इंचेस लिखा होता है, तो वो पैमाइश करने के लिए होता है। ये जैसे आप अरिथमेटिक में लाइंस ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइंस,
आपको लेंथ दी जाती हैं कि आप 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें या 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करें, तो उसके लिए आप रूलर का इस्तेमाल करते हैं और आप देखते हैं कि जिस तरफ सेंटीमीटर लिखा होता है वहाँ आप 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर्स और 6 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करते हैं। तो स्मॉल थिंग्स को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर्स का इस्तेमाल करते हैं और लॉन्ग थिंग्स को, बड़ी अशिया को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। टर्न ओवर योर पेज नंबर 36, पेज नंबर 36। 36 में अगर आप देखें टॉप ऑफ द पेज, तो आपको यहाँ रूलर दिखाई दे रहा है, रूलर पैमाना जिसे आप स्केल भी कहते हैं, और उसके साथ ही है मेजरिंग टेप जिसे इंचेस टेप भी कहते हैं। इस पर नंबर्स लिखे होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं। वी कैन आल्सो यूज दीज टू मेजर द लेंथ ऑफ समथिंग, यानी हम किसी भी चीज़ की लंबाई को नापने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं। किनका इस्तेमाल करते हैं? रूलर एंड मेजरिंग टेप। क्लॉथ इज मेजर्ड यूजिंग अ मीटर रॉड। अब आप कभी, आपको बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ होगा, अगर आप अपने सूट खरीदने के लिए गए हैं या अपनी शर्ट पीस खरीदने के लिए गए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ शॉपकीपर के पास एक स्केल होता है बड़ा सा ब्लैक कलर में, और उस पर नंबर्स लिखे होते हैं। अब आप अगर कहते हैं कि हमने 1 मीटर या 1 गज कपड़ा लेना है, या 2 मीटर या 5 मीटर्स आपको कपड़ा दरकार है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि वो शॉपकीपर उसे मेजर करता है और उसके बाद कटिंग करके आपको दिया जाता है। ऐसा नहीं होता कि जितना भी साइज़ हुआ तो वो आपको वैसे ही थमा दें, इसके लिए वो मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, कपड़े को मेजर करते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको जितना पीस दरकार होता है वो आपको दिया जाता है। इसी तरह आपने टेलर के पास भी मेजरिंग टेप देखी होगी, इंचेस टेप देखा होगा। अब वो टेप से क्या है, क्या करते हैं, अगर आपने कोई सूट सिलवाना है तो वो इसी तरह से कटिंग नहीं कर देते, बल्कि क्या करते हैं, आपका साइज़ लेते हैं। साइज़ लेने के बाद उस कपड़े को उसी साइज़ के मुताबिक इंचेस टेप का या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हुए कटिंग करते हैं, और फिर वो सूट आपके साइज़ के मुताबिक सिल जाता है। तो यानी हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए पैमाइश बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज मेजरिंग वेट। नंबर 2 इज मेजरिंग वेट। वेट कहते हैं वजन, और मेजरिंग वजन की पैमाइश।
जी, मेजरिंग वेट, हैव यू एवर सीन समवन स्टैंडिंग ऑन अ वेइंग स्केल? अ वेइंग स्केल इज अ मशीन दैट शोज हाउ हैवी समथिंग इज. हेयर आर सम वेइंग मशीन्स. व्हाट डू यू थिंक कैन बी वेट ऑन ईच टाइप ऑफ मशीन? जी, वजन की पैमाइश कैसे करते हैं? आपने देखा होगा कि स्कूल में आपकी हाइट और वेट, ये दोनों चीज़ें की जाती हैं, और आपको पता चलता है कि आपकी हाइट कितनी है और आपका वेट कितना है, यानी आपका वज़न कितना है. उसके लिए आप एक मशीन पर खड़े होते हैं और वो मशीन बताती है कि आपका वेट, आपका वज़न 5 kg है, 10 kg है और 15 kg है. यानी जिस चीज़ का वज़न जितना होगा, हैवी थिंग्स के लिए kg यानी किलोग्राम्स यूज़ होगा, और लाइट वेट थिंग्स के लिए हल्की चीज़ें हों या वज़नी चीज़ें हों, उनकी पैमाइश की जाती है. और लाइट वेट थिंग्स के लिए हम ग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर इस पेज पर कुछ स्केल्स दिए गए हैं. इन स्केल्स को वज़न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे सबसे पहले है किचन स्केल. मेजरिंग वेट में सबसे पहले है किचन स्केल. अब ये किचन स्केल, ये ऐसा पैमाना है जिन पे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह को मेजर किया जाता है, उनका वेट किया जाता है कि ये कितने ग्राम्स की हैं या कितने किलोग्राम्स की हैं, इनका वेट कितना है. उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? किचन स्केल. फिर अगर आप देखें तो यहाँ पर है टू पैन बैलेंस. टू पैन बैलेंस. टू पैन बैलेंस, इसे तराजू भी कहते हैं और मीज़ान भी कहते हैं. मीज़ान या तराजू. आप अगर ग्रोसरी के लिए जाते हैं या आप वेजिटेबल्स ख़रीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि आपको वेजिटेबल या फ्रूट्स इन पे रख के एक साइड पर फ्रूट्स या वेजिटेबल्स रखी जाती हैं और दूसरी तरफ वेट रखा जाता है. 1 kg, 2 kg ऊपर लिखा होता है, और फिर इसके दरमियान में अगर आप देखें तो एक सपोर्ट इन दोनों हिस्सों को दी गई है, उसे हम बीम कहते हैं. ये दोनों दो साइड पर प्लेट्स हैं. प्लेट्स को आपस में जोड़ने के लिए, मिलाने के लिए दरमियान में एक सपोर्ट दी गई है जिसे हम क्या कहते हैं? बीम. और वहाँ से उसे पकड़ते हैं और फिर उसका वेट करके आपको वो चीज़ दी जाती है. तो इसे हम कहते हैं टू पैन
बैलेंस। फिर आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ये डिजिटल बैलेंस होता है, डिजिटल तराजू होता है। और आपने ग्रोसरी शॉप पर अक्सर देखा होगा जब आप कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो इस पर उसे रखते हैं और उसका वेट करते हैं और वो नंबर्स केजी में, ग्राम्स में, वो नंबर्स उस पर शो होते हैं और उसके अकॉर्डिंग जितनी आपको चीज़ दरकार होती है वो उसको पेमाइश करके आपको देते हैं। तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। फिर नेक्स्ट है बाथरूम स्केल। ये भी वेट मशीन है, इस पे खड़े होकर आप अपना वेट चेक कर सकते हैं, वज़न चेक कर सकते हैं कि आपका वेट, आप ओवरवेट हैं या नॉर्मल वेट है, इससे आपको पता चल जाता है। तो ये स्केल आप अपना वेट चेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे वन कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे टू, यानी अब हम दूसरे दिन का काम शुरू करेंगे और सेकंड डे में हम पेज नंबर 37 एंड पेज नंबर 38 कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम रीडिंग कंप्लीट करेंगे और फिर बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। जी, ओपन योर बुक पेज नंबर 37, पेज नंबर 37। On this page, next device is used for measuring time. तो नंबर थर्ड पर है measuring time. टाइम कहते हैं वक्त को, वक्त की पैमाइश। अब आप सोच रहे होंगे कि टाइम की मेजरिंग क्या है, वक्त की पैमाइश क्या है। तो अगर टाइम ना हो, वक्त ना हो, तो हम कोई भी काम वक्त पर नहीं कर सकते, हम लेट हो सकते हैं। तो उसके लिए वक्त का जानना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्या है, मेजरिंग टाइम, वक्त की पैमाइश। हियर आर some instruments to measure time. अब यहाँ आपको कुछ instruments दिखाए गए हैं जिनके ज़रिए हम time को measure कर सकते हैं।
और उसके लिए क्लॉक और रिस्ट वॉच का ही इस्तेमाल किया जाता है। जी, सबसे पहले यहाँ पर है रिस्ट वॉच। नंबर वन पर यहाँ दिया हुआ है रिस्ट वॉच। रिस्ट मीन्स कलाई। कलाई यानी आपके हाथ और बाजू के दरमियान का हिस्सा जो होता है, जिस पर आप घड़ी बांधते हैं, उसे हम कहते हैं रिस्ट वॉच। रिस्ट वॉच। फिर नेक्स्ट है क्वार्ट्ज क्लॉक। नेक्स्ट क्या है? क्वार्ट्ज क्लॉक। इसे आप टाइम पीस भी कहते हैं। ये साइड टेबल पर पड़ी होती है, तो मुख्तलिफ हैं, उसके साइजेस डिफरेंट हैं। वॉल क्लॉक भी होता है जिसे हम दीवार पे लगाते हैं, लेकिन ये सब हमें टाइम बताते हैं। ये सब चीज़ें हमें, इनसे वक्त मालूम होता है। जी, नेक्स्ट है डिजिटल क्लॉक। नंबर थर्ड पर है डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में डिजिट्स लिखे होते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट्स होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, तो इसे हम कहते हैं डिजिटल क्लॉक। जी, नेक्स्ट है पेंडुलम क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक। अब यहां देखें, अ क्लॉक रेगुलेटेड बाय अ पेंडुलम। आप इसके सेंटर में एक चेन देख रहे हैं और उसके साथ आप देखेंगे कि जैसे ही ये मूव करता है, इसे पेंडुलम कहते हैं, जैसे ही ये मूव करता है, हरकत करता है, तो टाइम शो होता है ऑन द क्लॉक। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉक हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रिस्ट वॉच, क्वार्ट्ज क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, पेंडुलम क्लॉक। ये सब क्लॉक और वॉच हमें वक्त बताती हैं। व्हाई डू यू थिंक नोइंग द टाइम इज इम्पॉर्टेंट? अब आप ये सोचते होंगे कि वक्त का जानना क्यों अहम है, क्यों ज़रूरी है हमारे लिए। What would happen if you did not check the time and were late for school? जी, आप स्टूडेंट्स के लिए टाइम का जानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप टाइम पर सोएंगे नहीं और फिर आपकी सुबह के वक्त आँख लेट खुलेगी, जब आँख लेट खुलेगी तो आपको तैयार होने में भी टाइम लगेगा। जब आप लेट तैयार होंगे तो उसका नतीजा क्या होगा कि आप स्कूल भी लेट पहुँचेंगे। तो इसलिए टाइम का जानना बहुत ज़रूरी होता है। फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज़ योर लंच ब्रेक।
और टाइम से ही पता चलता है कि आपका लंच ब्रेक कितने वक्त का होता है। अब देखें, अगर टाइम का ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आप जब स्कूल आते हैं तो आपके डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो उनके लेक्चर भी डिफरेंट होते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि सुबह से दोपहर तक आप एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हैं और आपका एक ही लेक्चर होता है, ऐसा नहीं होता, बल्कि हर लेक्चर को डिवाइड किया जाता है कि एक लेक्चर अगर 40 मिनट्स का है तो सेकंड सब्जेक्ट का लेक्चर भी 40 मिनट्स का होगा। तो जब एक लेक्चर ओवर होता है तो सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है। तो वो लेक्चर स्टार्ट कैसे होता है, वक्त के मुताबिक अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होता है। ऐसा नहीं होता कि हम जब दिल चाहे हम ब्रेक कर लें या जब दिल चाहे तो हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ लें, उसके लिए भी टाइम का ख्याल रखा जाता है। जी, नेक्स्ट है मेजरिंग टेम्परेचर। नंबर 4 पर है मेजरिंग टेम्परेचर। जी, टेम्परेचर दर्जा हरारत को कहते हैं। दर्जे हरारत की पैमाइश। तो नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरिंग टेम्परेचर, दर्जा हरारत की पैमाइश। अब टेम्परेचर आपका बॉडी टेम्परेचर भी हो सकता है, रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, एयर टेम्परेचर भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर मालूम करने के लिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बॉडी टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर हो या एयर टेम्परेचर हो, उसकी मेजरमेंट के लिए हम थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। किस डिवाइस को हम यूज़ करते हैं? थर्मोमीटर। जी, वी कैन टेल हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज बाय मेजरिंग इट्स टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर। क्या यूज करते हैं हम? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। Have you ever felt sick and feverish? The thermometer shows us how high our body temperature is when we have fever. यानी जब हम बीमार होते हैं या हमें बुखार होता है, हमें महसूस होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है। अगर वो 99 से अबव है तो हमें उसके लिए चेक करना पड़ता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इस टाइम क्या है। तो बॉडी टेम्परेचर को चेक करने के लिए
हम यूज़ करते हैं थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। द टेम्परेचर ऑफ द एयर अराउंड अस इज ऑल्सो मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हवा का टेम्परेचर, हवा का दर्जा हरारत मालूम करने के लिए भी थर्मोमीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। जी स्टूडेंट्स, टर्न ओवर योर पेज नंबर 38, पेज नंबर 38। नंबर 5, मेजरिंग लिक्विड्स। लिक्विड्स कहते हैं माया को, लाइक वाटर, कॉफी, टी, ऑयल, पेट्रोल, दीज थिंग्स आर कॉल्ड लिक्विड्स। जी, मेजरिंग लिक्विड्स माया की पैमाइश। वी मेजर लिक्विड्स सच एज वाटर, मिल्क एंड ऑयल इन कप्स, बीकर्स एंड अदर कंटेनर्स। हम लिक्विड्स को कैसे मेजर करते हैं, चाहे वो पानी हो, दूध हो या ऑयल हो, तेल हो, इनको मेजर करने के लिए हम कप्स, बीकर्स, बीकर होता है कप विदाउट अ हैंडल, और ये बीकर्स लेबोरेटरीज वगैरह में मौजूद होते हैं, एंड अदर कंटेनर्स, कंटेनर्स बर्तन को कहते हैं। तो यानी इन अशिया को मेजर करने के लिए, इन लिक्विड्स को मेजर करने के लिए हम इन अशिया का, इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो बीकर हो या कप्स हों, ये इस्तेमाल की जाती हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 38 पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। ये हमारा बुक वर्क है। और इसमें हम क्वेश्चन 1 पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। मैं सेंटेंसेस पढ़ूंगी, आप मेरे साथ अपनी बुक पर चेक करेंगे और दी गई ऑप्शंस में, ब्रैकेट में ऑप्शंस दी हुई हैं, आप करेक्ट वर्ड चूज करेंगे और फिर ब्लैंक को फिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। लेटर ए, यहाँ 1, 2, 3, 4 नहीं लिखा हुआ, बल्कि लेटर से इसको हाईलाइट किया गया है, बताया गया है। आई विल यूज़ आर डैश टू मेजर
द लेंथ ऑफ माई बुक। अब इसमें यह पूछा गया है कि अगर मैंने अपनी बुक की लंबाई को मेजर करना है, नापना है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होगा। ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं, किचन स्केल, रूलर। जी सोचें, लेंथ को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रूलर। तो ए में हम लिखेंगे आर यू एल ई आर, रूलर, रूलर। नेक्स्ट बी, माय मदर वेयर्स अ डैश ऑन हर रिस्ट, यानी मेरी मदर अपनी कलाई पर पहनती हैं या बांधती हैं, क्या करती हैं, कौन क्या चीज़ है वो जो उनकी कलाई पर होती है। वॉच, क्लॉक। जी रिस्ट है तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, वॉच। बी डब्ल्यू ए टी सी एच, माई मदर वेयर्स अ वॉच ऑन हर रिस्ट। जी नेक्स्ट सी, सी इज अ फुल जग होल्ड्स डैश वाटर देन अ फुल ग्लास। ऑप्शंस, लेस, लेस का मतलब होता है कम, थोड़ा। मोर, मोर मीन्स ज़्यादा। जी आपने, आप सोचें कि एक भरे हुए जग में या एक भरे हुए ग्लास में, दोनों को देखें तो किस में पानी ज़्यादा होता है। अ फुल जग होल्ड्स डैश वाटर। जी सी में होगा, सी में करेक्ट वर्ड इज मोर। जग में पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो हम क्या लिखेंगे, मोर, एम ओ आर ई, मोर। नेक्स्ट डी, द डैश इज यूज्ड टू मेजर हाउ मच शुगर टू पुट इन अ केक। अब हमने इसमें बताना है कि हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, केक बनाने के लिए उसमें इस्तेमाल होने वाली शुगर को, चीनी को नापने के लिए हम कौन सा स्केल इस्तेमाल करते हैं। किचन स्केल, थर्मोमीटर। जी किचन स्केल। तो डी में हम लिखेंगे के आई टी सी एच ई एन किचन एस सी ए एल ई स्केल, किचन स्केल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू इज मैच द फॉलोइंग।
जी, यहाँ पर टू कॉलम्स दिए गए हैं। सबसे पहले है कॉलम ए और सेकंड साइड पर है, दूसरी तरफ है कॉलम बी। कॉलम ए में फर्स्ट वर्ड इज थर्मोमीटर, सेकंड वर्ड इज बाथरूम स्केल, थर्ड वर्ड इज मेजरिंग टेप, नेक्स्ट नंबर फोर्थ इज क्लॉक, लास्ट वर्ड इज बीकर। ये आपकी बुक पर लिखा हुआ है, आपको इजीली दिखाई दे रहा है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। बी कॉलम में है वेट, टाइम, टेम्परेचर, लेंथ, लिक्विड। जी, फर्स्ट थर्मोमीटर। थर्मोमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जी, टेम्परेचर। आप स्केल के साथ, रूलर के साथ लाइन ड्रॉ कीजिएगा, फ्री हैंड लाइन ड्रॉ नहीं करनी। बाथरूम स्केल, जी, वेट, वजन। नेक्स्ट मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप इज यूज्ड टू मेजर लेंथ, जी, लेंथ, लंबाई। क्लॉक, टाइम, टाइम, वक्त। बीकर, जी, लिक्विड। थर्मोमीटर, टेम्परेचर, बाथरूम स्केल, वेट, मेजरिंग टेप, लेंथ, क्लॉक, टाइम, बीकर, लिक्विड। सो स्टूडेंट्स, हमारा डे टू का काम मुकम्मल हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे थ्री। अब हम तीसरे दिन का काम शुरू करेंगे और थर्ड डे में हम वर्ड्स मीनिंग्स एंड
डिक्टेशन वर्ड्स मुकम्मल करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्ड स्पिनिंग स्टार्ट करते हैं। जी, फर्स्ट वर्ड इज मेजर। मेजर मीन्स नापना। मेजर मीन्स नापना। नंबर टू इज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मीन आलात। आलात। नेक्स्ट हैवी। नेक्स्ट वर्ड इज हैवी। हैवी मीन्स भारी या वजनी, दोनों तरह से आप कह सकते हैं, भारी या वजनी। नेक्स्ट वर्ड इज लेंथ। लेंथ मीन्स लंबाई। लंबाई। डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स फासला। Distance means fasla. जी, next word is width. Width, चौड़ाई। Width means चौड़ाई। Next word is fever. Fever means बुखार। Fever means बुखार। Next word is type। किस्म। अक्साम पढ़ते हैं ना हम, different kinds of, जैसे हमने यहाँ measuring instruments पढ़े हैं, different kinds थी उनकी, तो type किस्म। Next word is way. Way means वजन
करना। अब आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर हम एज के बाद टी लिखेंगे तो वो होगा वेट, उसका मतलब होगा वज़न। लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है, वे, वज़न करना। जी, मेजर, नापना, इंस्ट्रूमेंट्स, आलात, हैवी, भारी या वजनी, लेंथ, लंबाई, डिस्टेंस, फासला, विड्थ, चौड़ाई, फीवर, बुखार, टाइप, किस्म, वे, वजन करना। नेक्स्ट स्टेप इज डिक्टेशन वर्ड्स। Dictation words. G, number one. Number one is height. H I G H, height. Number two, F A R, far, far. Number three, S C I E N, sign, T I S T S, tests, scientists, scientists. Number four, A M O U N T, amount, amount. Number five, B A L A N C E, balance, balance. Number six, R U L E R, ruler, ruler. Number seven is M E T E R, meter, R O D, road. Number eight,
मीटर रोड, मीटर रोड। नेक्स्ट टी एच ई आर एम ओ, थर्मो, एम ई टी ई आर, मीटर, थर्मोमीटर, थर्मोमीटर। नंबर 9 टी ई एम पी ई, टेम्प, आर ए टी यू आर ई, रेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर। एंड नंबर 10 इज डब्ल्यू आर आई एस टी, रिस्ट, रिस्ट। स्टूडेंट्स, हमारा वर्क फॉर डे 3 कंप्लीट होता है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे 4। डे 4 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डू वी यूज measuring instruments? Question number 1 is, why do we use measuring instruments? The answer of this question is, we use measuring ki spelling mein bol rahi hoon, M E A S U R I N G, measuring instruments, I N S T R U M E N T S, instruments, to know, K N O W, know, the exact, E X A C T, exact, weight, W E I G H T, weight, size, S I Z E, size, O R, or,
अमाउंट ए एम ओ यू एन टी अमाउंट ऑफ द थिंग्स, मैं रिपीट कर रही हूँ, वी यूज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू नो द एग्जैक्ट वेट साइज और अमाउंट ऑफ द थिंग्स. जी, क्वेश्चन नंबर टू इज व्हाट आर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स. अब हमने बताना है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, किन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, किन अशिया को, किन मशीन्स को. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू इज द मशीन्स M A C H I N E S machines that are used to measure M E A S U R E measure things T H INGS things are called 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 measuring instruments. मैं रिपीट कर रही हूँ, the machines that are used to measure things are called measuring instruments. जी, next question, question number three. Question number three is how do we measure length. Length means lambai. How do we measure length? The answer of question number three is we measure length. स्पेलिंग क्वेश्चन में लिखे हुए हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं. With a ruler, a meter rod, or a measuring tape. जी स्टूडेंट्स, हमारा डे फोर का काम कंप्लीट होता है. नाउ वी विल स्टार्ट वर्क फॉर डे फाइव. डे फाइव में क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फाइव एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स शामिल हैं.
तो क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू वी मेजर टाइम, यानी टाइम को, वक्त को हम कैसे मेजर करते हैं, नापते हैं. आंसर इज वी मेजर टाइम बाय आ क्लॉक और a watch. Question number 5 is, how do we measure the temperature of our body? Question number 5 is, how do we measure the temperature of our body? The answer of question number 5 is, we use thermometer, 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 to measure the temperature of body. रिपीट कर रही हूँ, वी यूज़ थर्मोमीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, हाउ do we measure liquids? How do we measure liquids? The answer of question number 6 is, we measure liquids such as SUCH, such ASS, such as water, milk and oil in cups, C U
PS cups, beakers, BEA, KERS, beakers, and other OTHER, other containers, CONTAINERS, containers. आंसर रिपीट करती हूँ. वी मेजर लिक्विड्स सच एज वाटर, मिल्क एंड ऑयल इन कप्स, बीकर्स एंड अदर कंटेनर्स. जी स्टूडेंट्स, आज हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हो गया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे. आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.